हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। हाथरस की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फिर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में हाथरस के बहाने जातीय दंगे कराने की साजिश रची गई थी और इसके लिए विदेशी फंडिंग का भी इंतजाम किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हाथरस की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फिर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में हाथरस के बहाने जातीय दंगे कराने की साजिश रची गई थी और उसके लिए बाकायदा विदेशी फंडिंग का भी इंतजाम किया गया था। हाथरस में आपको बता दें, जिस तरह से माहौल खराब हुआ था उसको लेकर पहले भी सीएम योगी ने षड्यंत्र का आरोप लगाया था और अब उन्होंने हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश की बात कही। आपको सुनवाते हैं क्या कहा योगी ने। हर कार्यकर्ता, हर नौजवान, हर देशवासी के मन में एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति देखने को मिल रही है। उन स्थितियों में विरोधी हाथ पे हाथ धरे हुए तो नहीं बैठेगा, वो साजिशें रचेगा, वह षड्यंत्र करेगा। आपने देखा होगा किस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, किस हद तक षड्यंत्र हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो नेशन फर्स्ट की थ्योरी पे काम करता है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है, दल उसके बाद आता है, स्वयं का हित इसके बाद आता है। लेकिन विरोधियों के लिए आज क्या हो गया है, आपने आज समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और न्यूज चैनल में आप देख रहे होंगे सुबह से ही। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे लेकिन हमें आगे बढ़ना है। सीएम योगी को सुन रहे थे आप और एबीपी न्यूज पर लगातार हम आपको बता रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से कि कैसे हाथरस के बहाने यूपी में जातीय दंगे जो है उनको भड़काने की साजिश रची गई थी और यूपी की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि हाथरस के बहाने यूपी को जातीय दंगों की आग में जलाने की साजिश रची गई थी। बाकायदा पूरी तैयारी की गई थी, एक वेबसाइट बनाई गई थी, वेबसाइट में पूरी जानकारी दी गई थी कि आप अगर वहां पर पहुंच रहे हैं तो कपड़े कैसे पहनकर जाएं, पहचान कैसे छिपाएं, हिंसा के बाद छिपने किस तरह से छिपना है, तमाम जानकारी उस वेबसाइट पर दी गई थी। और देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक एक फर्जी वेबसाइट रातों रात बनाई गई और उसके जरिए जातीय दंगे कराने की साजिश रची गई। इस वेबसाइट पर हजारों लोगों को जोड़ने की बात कही जा रही है। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से यह वेबसाइट बनाई गई थी। दावा है कि इस वेबसाइट में हाथरस को लेकर हिंसा की आग भड़काने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना सब कुछ विस्तार से बताया गया था। यह भी पता चला है कि मदद के नाम पर हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग का भी इंतजाम किया जा रहा था। बड़ी खबर यह है कि पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठन जो नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा में शामिल थे, उन्हीं संगठनों ने यूपी में भी हिंसा फैलाने के लिए वेबसाइट तैयार कराने में अहम भूमिका निभाई थी और पूरी जानकारी उस वेबसाइट पर दी गई थी कि किस तरह से लोगों को पहुंचना है, पहचान किस तरह से छिपाना है और जब हिंसा हो जाए उसके बाद किस तरह से छिपना है या खुद को बचाना है। ये दंगे भड़काने वाली वेबसाइट में ये पूरी जानकारी दी गई थी। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ उस वेबसाइट में बताया गया था, जो लोग वहां पहुंचे वो क्या तैयारी करके जाए, गहने टाई जैसी चीजें ना पहने, उससे आसानी से पकड़े जाएंगे, खुले और बड़े बाल ना रखें उससे भी पकड़ लिए जाएंगे, इस तरह की जानकारी दी गई थी उस वेबसाइट में, ब्रांडेड कपड़े ना पहने क्योंकि उससे भी आप पहचान लिए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, तमाम जानकारी, छोटी छोटी जानकारियां दी गई थी कि अगर आप वहां पहुंच रहे हैं दंगा भड़काने के लिए तो आप क्या करें, काले ढीले कपड़े पहने क्योंकि पुलिस मोटे पतलों की पहचान नहीं कर पाएगी। देखिए, वेबसाइट के जरिए दंगा फैलाने की साजिश रचने वालों ने एक एक डिटेल पर ध्यान दिया था। दंगा करने वालों को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, उन्हें साथ क्या लाना चाहिए और कैसे बचाना चाहिए, सब कुछ विस्तार से बताया गया था। संवाददाता प्रतिमा मिश्रा से समझते हैं कि कैसे वेबसाइट के जरिए जहर फैलाने की कोशिश की गई। दिस वेबसाइट कांट बी रीच्ड, दिस वेबसाइट कांट बी रीच्ड या फिर नॉट अवेलेबल, ये दो चीजें लगातार रुमाना इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस वेबसाइट पर जो कंटेंट है वो कंटेंट हमारे पास है, तो यानी
किस तरीके से सुनियोजित तरीके से ये तैयारी की जा रही थी कि किस तरीके से वहां पर माहौल को अशांत किया जाए। और देखिए ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स ये बताते हैं कि आपको प्रोटेस्ट जब करना है तो उस दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना है। सेफ्टी ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, व्हाट टू वेयर, क्या पहने जब आप दंगा करने के लिए जाए, प्रोटेस्ट करने के लिए जाए, विरोध करने के लिए जाए, क्या साथ लेकर जाए, व्हाट टू ब्रिंग, टियर गैस, टियर गैस को लेकर भी यहाँ पर निर्देश बकायदा दिए गए हैं। इफ यू गेट अरेस्टेड तब आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स यू शुड नो, तो अलग अलग पन्नों में बकायदा यहाँ बताया गया है। देखिए व्हाट नॉट टू वेयर, डोंट पुट वैसलीन मिनरल ऑयल और ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन ऑन स्किन, मतलब सनस्क्रीन मत लगाएगा जिसमें भी तेल, बिल्कुल भी थोड़ा भी मात्रा में तेल हो। मिनरल ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा चेहरे पर, वैसलीन का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि इससे केमिकल आपके स्किन के भीतर घुस जाएगा। केमिकल किस चीज का, टियर गैस का, अगर आपके टियर गैस छोड़े जाते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेस मत पहनिएगा क्योंकि इससे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है जब आप केमिकल के टच में आएंगे। आप कोई भी ऐसी चीज मत पहनिए जिससे आसानी से आपको पकड़ा जा सके, यानी किसी भी तरीके की ज्वेलरी मत पहनिए, टाई मत पहनिएगा, और आपके बाल खुले ना हो इस बात को आपको सुनिश्चित करना होगा। अगर आपके बाल खुले होंगे तो हो सकता है आपको बालों के जरिए पकड़ने की कोशिश की जाए। ब्रांडेड कपड़े मत पहनिएगा जिन पर लोगो हो क्योंकि उससे आपकी पहचान की जा सकती है, ये तक यहाँ लिखा गया। और क्या पहना जाए इसके लिए भी साफ तौर पर यहाँ निर्देश दिए गए हैं, व्हाट टू वेयर, यहाँ पर एक सेक्शन है। ऐसे कपड़े पहनिए जिससे आपकी तरफ ध्यान कम ही केंद्रित हो, आकर्षित हो, ये साफ तौर पर लिखा है। कैप्स लॉक पर लिखा गया है डू नॉट ट्राई टू स्टैंड आउट, मतलब ऐसा कुछ वक्त पहनिएगा जिससे आपकी पहचान सुनिश्चित की जा सके कि हाँ आप अलग से भीड़ में दिखाई दें। अलग से पूरे काले कपड़े पहने, लूज फिटिंग के कपड़े पहने, तो पुलिस जो है क्योंकि पुलिस वो ध्यान देती है इन सब चीजों की कि अगर कहीं पर हालात बिगड़ रहे हैं तो किस तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो और इस पूरे मामले पर विपक्ष का क्या कहना है वो आपको एक बार दिखाते हैं। बाकायदा खबर यह आई है कि एक वेबसाइट बनाया गया जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम के नाम से, जिसमें ये कोशिश की गई कि जातीय दंगे कराए जाए। मुख्यमंत्री जी ने खुद इसका मतलब यह है कि सीधा तौर पर ये सारे मसले को टालने के लिए, गुमराह करने के लिए कवायद शुरू हो चुके हैं। इसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट आएगी कि वहाँ जाति दंगा फैलाने की कोशिश किया गया। इसके बाद ये भी इल्जाम आ सकते कि यूपीए सरकार को अस्थिर करने के लिए, डिस्टेबिलाइज करने के लिए कोई साजिश हो रहे हैं। देखिए सरकार जो कह रही कि हाथरस की घटना पर साजिश है, तो हाथरस की घटना ने तूल कब पकड़ा, जब उस बेटी की डेड बॉडी को रात में जला दिया गया। तो जलाया किसने, योगी की पुलिस ने, जलाया किसने, योगी के डीएम ने। तो इसका मतलब उस साजिश में क्या योगी जी की पुलिस और योगी जी का डीएम भी शामिल है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर, तुरंत लौट कर आते हैं। हाथरस में राहुल और प्रियंका के जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस शासित राज्यों में हल्ला बोल दिया है। राजस्थान में रेप की घटनाओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा और बारा में प्रदर्शन किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर और बांसवाड़ा की, जहां पर रेप केस पर राजनीतिक पार्टियों का सिलेक्टिव अप्रोच नजर आ रहा है। राजस्थान में जहां बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई है, विरोध प्रदर्शन कर रही, वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी नजर नहीं आती और कांग्रेस वहीं उत्तर प्रदेश में सड़कों पर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस तक चले जाते हैं, लेकिन जब बात राजस्थान या छत्तीसगढ़ की आती है तो कोई नेता कहीं नजर नहीं आता।